कुश्ती संघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण सिंह शरण ने गोंडा में आज रैली की और पहलवानों के शोषण के मामले में शेर और शायरी के जरिए सफाई। उन्होंने शेर पढ़ा, कभी यश कभी गम, अभी जहर पिया जाता है तब जाकर जमाने में जिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, दबे होठों से नाम लिया जाता है। ब्रजभूषण ने यह रैली मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर की थी, लेकिन अपना दम दिखाते हुए नजर आए। कल ही खिलाड़ियों से हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत से हुंकार भरी, 15 जून तक चार्जशीट दाखिल न होने पर फिर से आंदोलन की धमकी दी। तो आज ब्रजभूषण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र गोंडा में रैली कर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। नहीं भाई, मेरा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, 1.5 लाख लोग आए थे। मेरा हर कार्यक्रम ऐसे होता है, आप लोगों से पूछ लो। इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया था, हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। कहा जाए कि अगला चुनाव भी आप यहीं से लड़ेंगे, कैसरगंज लोकसभा से। एक पहलवानों पर सवाल है कि वो लोग 15 तारीख तक उन लोगों ने अल्टीमेटम, ये कोर्ट का निर्णय, कोर्ट के निर्णय का प्रतिशत ये इस पर नहीं। हमेशा होता है। महिला पहलवानों के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ कहेंगे? नहीं, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? कोर्ट के फैसले का। और जो आप पर नाबालिग ने आरोप वापस लिए, आपको लगता है कि जस्टिस हुआ है? आपको लगता है मौजूद है सर? आज बहुत ज्यादा भीड़ देखी है मैंने आज यहाँ पर, क्या मैसेज देने की कोशिश है? भैया जी, मेरा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। अभी जनवरी में 8 जनवरी को जन्मदिन था, 1.5 लाख लोग आए थे। इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की गई है। ये मैं तो हर बार शायरी पढ़ता हूँ। आपके मामले से कहा कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, बाकी तो हमारा लोकसभा है, मैं 2 बार 3 बार यहाँ से हो रह चुका हूँ। नहीं, पार्टी हो तो पार्टी की इच्छा तो सर्वोपर होती है। पार्टी की इच्छा सर्वोपर होती है, लेकिन अपनी जांच पर कुछ कहना? नहीं, जांच तो 15 तारीख को आ जाएगा कुछ। आपको लगता है जो चीजें हुई है वो आपके पक्ष में आई है?